नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अब एनटीपीसी का लेवल 2-3-5 का एग्जाम के लिए मुश्किल से अब 5 से 7 दिन बचे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक लिमिटेड टॉपिक बताने वाला हूँ, मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का पेपर का, ठीक है। आप इतने टॉपिक भी कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स लास्ट टाइम के अंदर, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ एक लिमिटेड टॉपिक, कम से कम इतने समय में इतने टॉपिक को आप कम से कम कवर कर लें। तो देखिए, सबसे पहले मैथ के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो मैथ के अंदर ये कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं, इतने टॉपिक्स आपको कवर करने चाहिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, मेंसुरेशन के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे आपका कोण हो गया यानी शंकु हो गया, बेलन हो गया, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारे पोर्शन को एक बार आप कंप्लीट कर ले, देख लें। मेनली आप कम से कम शंकु को जरूर देखें, कोण को जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद मीन, मीडियन, मोड को एक बार देख लें, सारे फॉर्मूले को, जो भी फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ध्यान से जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, तीन माध्यक बराबर माध्य प्लस दो बहुलक, जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, 8 मासिक, अर्धवार्षिक और त्रिमासिक, ये तीनों टाइप के जो प्रश्न बनते हैं, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता दूँ, त्रिमासिक वाला भी ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक भी ध्यान रखना है, 8 मासिक वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अंतर वाला क्वेश्चन, 2 वर्ष का अंतर और 3 वर्ष का अंतर वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है। वहीं फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति के अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा, लेकिन यहाँ से कुछ हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी के इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी आप देख लीजिएगा। टाइम एंड वर्क को भी आप एक बार रिकॉल कर लें फ्रेंड्स, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से, तो टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस को आप एक बार देख लें। वहीं फ्रेंड्स, एवरेज परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, यहाँ से भी बहुत ही इजी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है वो एक बार सारे पैटर्न को फॉलो कर लें, एक बार जितने भी टाइप है उनको एक बार देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं रीजनिंग की ओर, तो रीजनिंग की ओर जाए फ्रेंड्स, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ना सीटिंग अरेंजमेंट को एक बार देख लेना होगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ से मेन आपका जो है वो सर्कल वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर 8 या 9 व्यक्ति हैं जो कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ए बी के बगल में है, सी डी के बगल में, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और साथ में फ्रेंड्स वर्ग वाला, ठीक है, मान लीजिए एक वर्ग है, वर्ग में देखिए यहाँ पर टोटल 4 कोने हैं और 4 बीच बीच में है, ठीक है, तो टोटल 8 व्यक्ति हैं जो कि 4 व्यक्ति वर्ग के कोनों पर बैठे हैं और जबकि 4 बीचों बीच बैठे हैं, तो और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो इस टाइप से ए बी बगल में है, मतलब आसपास में बैठे हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस मेनली आपका वर्ग से रिलेटेड और सर्कल से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आप ध्यान रख लेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी इजी लेवल के, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कम से कम ए से लेकर के जेड तक के लेटर का आपको अंक याद होना चाहिए, जैसे पी का 16 होता है, जो भी लेटर का आपको अंक होगा वो एक बार देख लें। वहीं फ्रेंड्स कैलेंडर, कैलेंडर से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगभग 3 से 4 मार्क्स के यहाँ तो आ ही जा रहे हैं, तो कैलेंडर भी आप देख लीजिएगा, लगभग सभी टाइप के यहाँ से क्वेश्चंस, जैसे आपका मेनली मान लीजिए कि आपका जो है वो जन्म 1 जनवरी 1995 को हुआ है, ठीक ना, 1 जनवरी 1995 को, तो 15 दिसंबर 1995 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से क्वेश्चंस। और साथ में इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको रिविज़न कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड्स पूछा जाएगा आपसे कि 26 जुलाई 2005 को कौन सा दिन था, ठीक है, इस टाइप की, ये दो टाइप के क्वेश्चंस कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं मिसिंग नंबर भी आप एक बार देख लें, मिसिंग नंबर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न पूछ दिए 3, 9, 15, ठीक ना, उसके बाद यहाँ पे कह दे 4, 8, 7, यहाँ पे लिख दे 6, 5, यहाँ पे वाट दे दे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। वहीं अनालॉजी आप एक बार देख ले फ्रेंड्स, अनालॉजी से भी इजी प्रश्न है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से भी इजी प्रश्न है। साथ में फ्रेंड्स साइलोलिज्म भी आपको देख के जाना है, साइलोलिज्म से आपका जो है वो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो साइलोलिज्म भी आप देख लीजिएगा। साइलोलिज्म के अंदर 2 कथन और 2 निष्कर्ष और 2 कथन 3 निष्कर्ष, 3 कथन 3 निष्कर्ष, ये 3 टाइप आपको देख लेना है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ, 2 कथन 2 निष्कर्ष 2 कथन 3 निष्कर्ष 3 कथन और 3 निष्कर्ष, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वहीं रैंकिंग के अंदर काफी इजी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, यहां से आप पोजीशन इंटरचेंज वाला क्वेश्चंस कर लीजिएगा, और साथ में आपको ये भी कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है राम, राम का ऊपर से स्थान है 10वां और नीचे से स्थान है 15वां, तो क्लास के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। डायरेक्शन के अंदर आपको फ्रेंड्स एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जितने भी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और साथ में जितना भी एंगल को मूव करने के बाद, जैसे कि मान लीजिए
फ्रेंड्स एक व्यक्ति जो है जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर है और ये 90 डिग्री बायां घूमता है, तो 90 डिग्री बायां घूमेगा तो इस टाइप से यहाँ आ जाएगा पूरब की ओर। तो इस टाइप वाला जो एंगल बेस्ड क्वेश्चन होगा वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं जीएस के पोर्शन के अंदर। तो जीएस के पोर्शन के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो मेनली आपका कंप्यूटर के अंदर आपको शॉर्टकट किस देख लेना है, एमएस वर्ड को देख लेना है, इंटरनेट को देखना है और एमएस एक्सेल को देख लेना है, ठीक है। वहीं साइंस के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो मेनली आपको आवर सारणी देखना है और प्रमुख इकाई एवं उनके मात्रक, जैसे कि आवेश का मात्रक पूछा गया था, आवेश का मात्रक कूलम्ब हो जाता है। आवर सारणी की बात करें तो आयरन से पूछा गया था, लोहा से पूछा गया था कि लोहा कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, तो लोहा जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए और उसमें से कम 21 से लेकर 30 तक तो याद होना ही चाहिए। जैसे 21 में स्कैंडियम हो गया, टिटेनियम हो गया, वेंडियम हो गया, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, कॉपर, इस टाइप से जितना भी 21 से लेकर 30 तक एलिमेंट होंगे उनको याद कर लेना होगा। और 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए और 1 से 20 तक तो कम से कम याद ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो कम से कम आपको इसरो के लॉन्च व्हीकल याद कर लेना होगा, जैसे कि GSLV का जितने भी लॉन्च व्हीकल है, PSLV का जितना भी लॉन्च व्हीकल है, यानी पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है, GSLV और PSLV जितने भी लॉन्च हुए हैं ये चीज़ आपको देख लेना होगा, ठीक है। अगला चलते हैं फ्रेंड्स करेंट अफेयर के अंदर। तो करेंट अफेयर के अंदर बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो भी अभी नया मंत्रिमंडल बैठा है यानी कि लेटेस्ट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो भी मंत्रिपरिषद है उसको एक बार देख लीजिएगा, और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को एक बार देख लीजिएगा, जैसे कि PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब जितने भी लेटेस्ट योजनाएं हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका महत्वपूर्ण रोल है हमारे देश में, तो ये प्रमुख योजनाओं को आप देख लीजिएगा। पुरस्कार सम्मान पदक को जरूर देख लीजिएगा, जैसे कि आपका अभी जितना भी ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया या फिर नोबेल पुरस्कार हो गया, जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहे करेंट अफेयर के अंदर से। आगे देखते हैं फ्रेंड्स भूगोल के अंदर से। तो भूगोल के अंदर से आपको मेनली दो टॉपिक देख करके जाना है। पहला आपको कम से कम रिवर्स जितनी भी नदियाँ हैं, जैसे उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत के अंदर आपका मुख्य रूप से कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, वहीं उत्तर भारत के अंदर मुख्य रूप से गंगा हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ये सब प्रमुख नदियां और साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, ठीक है। तो सहायक नदियां और मुख्य रूप से जो मेन नदी है ये प्रमुख आपको देख लेना है, और साथ में भौतिक स्वरूप फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, इसके अंदर आपको मुख्य रूप से देखना होगा कि उत्तर भारत की प्रमुख चोटी, राजस्थान की प्रमुख चोटी, दक्षिण भारत का प्रमुख चोटी जैसे दोदा बेटा हो गया, तो ये प्रमुख चोटियों को एक बार आपको देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आ जाते हैं अगला हिस्ट्री के अंदर। तो हिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री के अंदर मुख्य रूप से आपको कांग्रेस का जो मेन सेशन होगा, प्रमुख अधिवेशन होगा, ये देख लेना है, रिलीजियस मूवमेंट देख लेना है, जैसे परमहंस मंडली का स्थापना कब हुआ, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, तो इतना कम से कम आपको कवर कर लेना है, ठीक है। वहीं फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के अंदर बात करें, तो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली आपको जो है वो नेशनल इनकम पढ़ लेना है, ठीक है। नेशनल इनकम के अंदर आपका GNP हो गया, GDP हो गया, NNP हो गया और NDP हो गया, ये चार टॉपिक आपको देख करके जाना है। मौद्रिक नीति के अंदर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है फ्रेंड्स, जैसे SLR हो गया, CRR हो गया, ये प्रमुख जो मौद्रिक मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं एक बार आप देख लीजिएगा। वहीं फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान के अंदर 1 से लेकर जितना 12वां मतलब टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थे, 12 पंचवर्षीय योजना का वर्ष और इसका प्रमुख उद्देश्य और मॉडल, ठीक है, ये चार चीज़। पहला मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, पहला आपको 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजना, उसके बाद प्रमुख उद्देश्य, इसके मॉडल और इनका वर्ष, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं पॉलिटी के अंदर बात करें फ्रेंड्स, तो पॉलिटी के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको आप देख लीजिए, और प्रमुख संविधान संशोधन ये देख लीजिए, और मौलिक अधिकार देख लीजिए, ठीक है। ये तीन चीज़ कम से कम आपको देख कर जाना है, ठीक है। मैं फिर से रिकॉल करवा दूँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और प्रमुख संविधान संशोधन यानी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और फ्रेंड्स आपका जो है वो मौलिक अधिकार कम से कम इतना देख करके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार और विविध के अंदर बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो विविध के अंदर जो है वो कम से कम आपको इन टॉपिक को कवर करके चलना है, जैसे प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, मेन इंस्ट्रूमेंट एंड देयर प्लेयर्स, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया था कि अल्लाह रखा किससे संबंधित है, तो अल्लाह रखा जो है वो तबला से संबंधित है। और फ्रेंड्स आपको देख लेना है विभिन्न राज्यों के लोकनृत्य फोल्क डांस कम से कम आपको जरूर देख करके जाना है, और साथ में यूनेस्को में शामिल होने वाले भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, जैसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था लाल किला जो है वो कब शामिल हुआ था, तो 2007 के अंदर। तो जितने भी 1983 से लेकर के 2021 के बीच में लगभग 40 ऐतिहासिक स्थल है भारत के जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हुए हैं, तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर,
तो ये सातों राज्य जो है वो सेवन सिस्टर एक इसके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, इनको आप जरूर देख करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। 2011 की जनगणना को भी आप जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से भी निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनेंगे। और प्रमुख जितने भी पुस्तक है और उनके लेखक यानी मेन बुक्स एंड देयर ऑथर्स, ये इतना ये आप एंसेंट वाला पुरानी पुस्तकें भी देख लीजिएगा, और 2022 के अंदर 21 के अंदर जो प्रमुख पुस्तकें हुए हैं उनके लेखक हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको मेनली ये टॉपिक बताया, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।